इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोरोना को लेकर। जो बड़ी खबर आपको बता दें, शराब की दुकानें तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। आबकारी आयुक्त पीसी मलिक ने ये आदेश जारी किए। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बिल्कुल नहीं हो रही। कोरोना को लेकर जिस प्रकार से लगातार आपाधापी मची हुई थी और इसी बीच शराब की दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग फॉर्मूला तय होने के बाद ही ये दुकानें खुलेंगी, क्योंकि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। शराब की दुकानें तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। आबकारी आयुक्त ने ये आदेश जारी किए हैं। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यादवेंद्र, देखिए, जिस प्रकार से शराब की दुकानों को खोलने के पहले आदेश जारी किए गए थे और सुबह से ही भीड़ हर जगह पर नजर आई, उसके बाद ये दुकानें बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, क्या अपडेट आपके पास? जिस तरीके से दुकानें खुली थी तो 8 बजे से ही लोगों की जो भीड़ थी वो दुकानों पर लग गई थी, क्योंकि लोगों को ये गफलत थी कि दुकानें कब से खुलेंगी और कब से नहीं खुलेंगी और क्या दुकानों पे माल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जो लोग थे वो सुबह से ही यहाँ पर दुकानों के आगे एकजुट हो गए थे, लेकिन जो शर्तें तय की गई थी, गाइडलाइन तय की गई थी यहाँ पर सरकार ने कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है और एक दुकान पर 5 से ज्यादा जो व्यक्ति है उनकी भीड़ नहीं होनी, क्योंकि लगातार निरंतर है जो पिछले 1.5 महीने से धारा 144 लागू है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आदेशों की जो धज्जियां हैं वो कहीं ना कहीं उड़ती नजर आई थी और इसी के चलते ये तुरंत प्रभाव से अभी महज कुछ मिनटों पहले यहाँ पर जो आबकारी कमिश्नर है पीसी मलिक है उन्होंने आदेश जारी किए, क्योंकि लगातार टीवी चैनलों के माध्यम से लगातार उन तक सूचनाएं पहुंची है और लगातार वो भी जब सुबह दुकान खुली तो मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार अपने इंस्पेक्टरों को भेज करके लगातार हर पूरे राजधानी जयपुर शहर के अंदर मॉनिटरिंग की हुई थी। और उसके बाद जब ये जानकारी सामने आई कि लोगों की भीड़ एकदम यहाँ पर मौके पे पहुंच गई, तो ऐसे में उन्होंने तुरंत आज यहाँ पर तुरंत में यहाँ पर एक आदेश जारी किया और उसके बाद सभी दुकानों को यहाँ पर बंद करने के उन्होंने एक आदेश जारी किया है। कोई हम अभी साउथ जिले की बात करें तो साउथ जिले के अंदर मुहाना थाना इलाका ऐसा पड़ता है, मानसरोवर शिप्रापद ऐसा इलाका पड़ता है, छोटवाड़ा विद्याधर नगर, वहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आई थी और इन तस्वीरों के अंदर ये साफ देखा जा रहा था कि लोग है जो इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर। खास बात ये भी है मनीषा, जो ठेकेदार थे, जो दुकान के जो ठेकेदार थे, वो लगातार वो हमारे यहाँ पर बार बार उनको कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप बाद में आना और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया जाए, लेकिन लोग है वो नहीं मान रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक गफलत है। और इससे पहले ही हमने सुबह चूंकि एक खबर चलाई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये आदेश संज्ञान भी दिलवाया था और पीसी मलिक है कमिश्नर, आप बीसी मलिक उनको कहा था ये सारी चीजें। उसके बाद बीसी मलिक ने कहा भी था कि अभी जो 10% महज दुकानें खुली हैं राजधानी जयपुर शहर के अंदर, क्योंकि कई लोगों का यहाँ पर जो नौकरनामा नहीं हुआ है, कई लोगों की जो लोकेशन है उनको नहीं मिली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो समस्या आ रही थी उसको लेकर के आदेश जारी की कि जो ऐसे बिना आदेशों के दुकान खोल रहे हैं वो इल्लीगल है और उन पर कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसका नतीजा यही है, तुरंत आदेश आ गए हैं, उन दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। शराब विक्रेता है उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बिना मास्क के यहाँ पर वो लोग शराब की बिक्री कर रहे हैं, जो लोग खरीदने आ रहे हैं वो भी बिना मास्क के आ रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारी A1 टीवी की खबर का सबसे बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है। मनीषा, मैं वापस बता रहा हूँ आपको, A1 टीवी की खबर का सबसे बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला। 10 बजे से ही ये सारी चीजें चल रही थी हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, बार बार यहाँ पर अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा था और उसके बाद ये आदेश जारी आए हैं। और चूंकि कमिश्नर से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ कहा है कि क्योंकि अभी दुकानों को खुलने में वक्त लगेगा और ये वक्त 24 घंटे 48 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि कई दुकानों पर माल पड़ा हुआ है, क्वारंटाइन का माल जो है सुपुर्द नहीं किया गया है, ट्रांसफर नहीं किया गया है, ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो दुकानें खुली हैं वो इल्लीगल दुकानें हैं और उन पर कहीं ना कहीं सख्ती से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल 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 यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शराब की दुकानें तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। जिस प्रकार से सुबह से ही लंबी कतारें सभी शराब की दुकानों पर देखने को मिल रही थी,